सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के इराई औद्योगिक क्षेत्र में स्थित फेम नाम की फैक्ट्री में दोपहर को अचानक आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारियों ने फैक्ट्री से निकलकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही, किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने से फैक्ट्री में मौजूद करीब 4 गाड़ियां जलकर राख हो गई। सूचना पर फायर की करीब 8 से 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। सोनीपत की ये तस्वीरें राई औद्योगिक क्षेत्र में स्थित फैक्ट्री की हैं, जहां एक फैक्ट्री में दोपहर को अचानक आग लग गई। फैक्ट्री में ऑटोमोबाइल के पार्ट बनाने का काम किया जाता है। आग उस समय लगी जब फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारी खाना खा रहे थे। उस समय फैक्ट्री के दूसरे फ्लोर पर आग लगी, जिसके बाद फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारी किसी तरह अपनी जान बचाकर फैक्ट्री से बाहर निकले। बताया जा रहा है कि जिस समय फैक्ट्री में आग लगी, उस समय फैक्ट्री में करीब 1200 लोग मौजूद थे। गनीमत रही, किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वहीं सूचना पर फायर की गाड़ियां खरकोदाग, धनोर, कुंडली, राई और बड़ी से करीब 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। करीब 3 से 4 घंटे तक आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हमारे को 1:11 में मैसेज मिला था और इसमें जो है फ्रेम कंपनी है, लाइट वगैरह बनाती है, तो हमने जो ना तुरंत 4 गाड़ियों को टर्न आउट लिया था फर्स्ट टाइम में, लेकिन ये आग ज़्यादा थी इसलिए हमने तुरंत एमरजेंसी डिक्लेयर करके और डिस्ट्रिक्ट सोनीपत की 16 गाड़ियाँ तुरंत भेज दी। लेकिन दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी हमने मदद मांगी है, तो पानीपत से 2 गाड़ियाँ आ रही हैं, झज्जर से भी 2 गाड़ियाँ आ रही हैं और रोहतक डिस्ट्रिक्ट से भी 2 गाड़ियाँ हमारी उमदा से आग लगभग कंट्रोल होने की स्थिति में आ गई है। बाकी जो है ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई अभी तक कोई कैजुअलिटी ऑब्जर्व हुई है, ना किसी ने बताया कुछ। सर कब तक आग पर काबू पा लिया जाएगा? उम्मीद है घंटे में काबू कर ले। सर कितना अनुमान लगाया जा रहा है, क्या कितना नुकसान है इस कंपनियों को, गाड़ियाँ भी कोई जली है क्या अंदर? वो जांच का विषय, बाद में पता चलेगा क्या क्या इसमें जला है, क्या क्या नुकसान हो, बाद में पता चलेगा। मेरा जो प्रायोरिटी है वो आग की है। सर क्यों लगी आग, पता चला हो? आग का कारण भी बाद में पता चलेगा।